स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सजीर बाइक गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो मेरे मैकेनिक दोस्तों, आज आप लोगों को बताऊंगा जो बाइक में हम लोगों का डीसी करंट होता है, डीसी करंट किस तरह से काम करता है, इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। काफ़ी सारे मैकेनिक जो है करंट किस तरह से चालू होता है, किस तरह से कट होता है, किस तरह से शॉर्ट होता है, उसको ये भी नहीं पता। तो इस वीडियो में हम बताएंगे जो एसी करंट वाला बाइक किस तरह से बाइक में करंट आता है स्पार्क प्लग में, और क्या क्या ज़रूरत होता है एक करंट, जैसे कि स्पार्क प्लग में करंट लाने में, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ताकि आप लोगों का पूरी मदद मिले। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटिव वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर दे, आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एसी करंट वाला बाइक में हम लोगों का क्या क्या चीज़ ज़रूरत होता है। जैसे कि हम लोगों का एक CDI यूनिट होता है, जैसे कि सिंपल के तौर पर ग्लैमर, सुपर, स्प्लेंडर, होंडा साइन बाइक में और होंडा लिबो बाइक में ये CDI अटैच हो जाएगा। अब किस तरह से ये काम करता है हम आपको बताते हैं सही तरीका। एक CDI में हम लोगों को ज़रूरत होता है कॉयल, ज़रूरत होता है ये बोतल कॉयल, इग्निशन कॉयल, स्पार्क प्लग, ठीक है, और एक पिकअप कॉयल, और जैसे कि एक मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट। और अगर बाइक में बैटरी ना रहे तो जैसे कि आर्मेचर कॉयल, और बैटरी अगर ठीक रहे तो बगैर आर्मेचर कॉयल का भी बाइक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, ये सब सामान हम दूर करते हैं और आप लोगों को अच्छी तरह से समझाते हैं। एक बैटरी, एक पिकअप कॉयल और एक इग्निशन कॉयल और CDI कॉयल, ठीक है, और एक मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट हम ले लेते हैं इस वाले को, ये छोटा है, तो मैग्नेट हम यहाँ रखते हैं और स्पार्क प्लग को यहाँ रखते हैं, ठीक है, रख दिया, और CDI को यहाँ रखते हैं, और ये जो पिकअप कॉयल है और मैग्नेट का जो पोल है इसी जगह पे रखते हैं, ठीक है, इसी जगह पे रखते हैं। अब सवाल है, आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो चलो हम आपको बताते हैं, सबसे पहले हम बताते हैं सुपर स्प्लेंडर बाइक में 4 वायर रहता है। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर बाइक का मेरा वायरिंग है, वायरिंग को लाया आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो इस कपलर को लगा दिया है और यहाँ देखिए 4 वायर है। 4 वायर का काम क्या है पहले ये आपको बताता हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये जो ब्लैक में हम लोगों का रेड कलर है, इग्निशन ऑन करने का बाद 12 वोल्ट आएगा, ठीक है। और ये जो हम लोगों का हरा कलर की वायर है, इसमें बैटरी से अगर हम लोगों का माइनस चिन्ह है यहाँ लगेगा, या इंजन, जैसे कि इंजन में लग सकते हैं या चाचिस में लग सकते हैं, ठीक है। तो हरा कलर में बॉडी अर्थिंग और इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई, और ये वायर जो है ब्लू में पीला है, ये वायर हम लोगों का पिकअप कॉयल, एक पिकअप कॉयल आएगा और एक पिकअप कॉयल इसमें नॉट में अटैच करेंगे तो बॉडी अर्थिंग हो जाएगा, और एक वायर चल जाएगा जैसे कि बॉडी यहाँ लग गया, और एक वायर आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो हम लोगों का 3 होता है इनपुट लाइन और आउटपुट लाइन होता है, ये जो वायर है, ये वायर हम लोगों का आउटपुट लाइन है, हम आपको बता देते हैं। जो देखिए ये डायरेक्ट ST कॉयल में जाके लग जाएगा, ये देखिए ST कॉयल में हम लोगों का अटैच हो जाएगा, ठीक है, ST कॉयल में अटैच हो गया। और बॉडी अर्थिंग एक आएगा ST कॉयल में भी, ठीक है। तो बॉडी अर्थिंग जैसे कि यहाँ हर जगह पर बॉडी अर्थिंग है, हर जगह पर, ठीक है, रेगुलेटर चार्जर पर भी है, CDI पर भी है, पिकअप कॉयल पर भी है, और काफ़ी सारी जगह पर बॉडी अर्थिंग रहता है, जो बैटरी का हम लोगों का माइनस चिन्ह है वहीं से रहता है। अब सवाल है किस तरह से ये काम करता है। तो इग्निशन ऑन करने के बाद 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, हरा कलर में बॉडी अर्थिंग आती है, और पिकअप कॉयल यहाँ से आती है। पिकअप कॉयल किस तरह से लेते हैं, जो लाइन यहाँ हम लोगों का कटता है और छोड़ता है, जैसे कि फायरिंग फट फट करता है, अब आपको तरीका बताते हैं। तो ये हम लोगों का जो पॉइंट होती है, कुछ कुछ बाइक में जैसे कि बड़ा होती है, यहाँ देखिए ये बड़ा, तो सिंपल के तौर पे लगा रहता है इसी जगह पर, इसी जगह पर लगा रहता है, यहाँ देखिए पोल है,
तो अगर ज़्यादा ज़्यादा फाँक कर दे, इतना सा गैप रखिए तो बाइक में करंट नहीं आएगा, और सेफ मार और इतना सा रखे तो सेल पे फायरिंग नहीं आएगा, और जैसे कि सटा के रखे, थोड़ा गैप रखे जिसमें कि टर्च ना हो तो हम लोगों का करंट ठीक आएगा। अब जैसे कि इंजन जब घूमता है तो घूमने के बाद जब यहाँ संसार के पास जब ये आता है तो पिस्टन टॉप में रहता है, पिस्टन टॉप पे जब भी जाएगा ये पोल जो है हम लोगों का पिकअप करेगा, और ये जब यहाँ से यहाँ निकल आएगा करंट छोड़ देगा, फिर जब रिटर्न आएगा तो फिर करंट आएगा छोड़ेगा। जब भी ये इंजन घूमेगा इस तरह से घूमता रहेगा तो करंट यहाँ हम लोगों का चिड़ करता रहेगा, ठीक है। तो इसका कारण हम लोगों का जैसे कि मैग्नेट से जब मैग्नेट पाक लेता है, जब भी टॉप में जाता है पिस्टन तो इसको बता देता है इस संसार को कि हमारा पिस्टन टॉप में चल चुकी है फायरिंग, अब यह क्या करेगा जो CDI यूनिट को हम लोगों का करंट चालू करेगा। तो ये जो जाता है इस वायर पे, तो ये लाइन करता है छोड़ता है तभी जाके हम लोगों का इस बार प्लग में करंट चढ़ करेगा, ठीक है। अब काफ़ी सारे मैकेनिक सवाल करते हैं, ये जो CDI है हम लोग दूसरे बाइक में लगा सकते हैं क्या? हाँ मैकेनिक दोस्तों, आप लगा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को जानना है जो कौन सा वायर कौन सा जगह में लगाऊँ तो हो जाएगा। जैसे कि एक बाइक है महिंद्रा सेंचुरो, उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो महिंद्रा सेंचुरो में अगर आप लगाए इस CDI को तो आपको 12 वोल्ट की सप्लाई देना है, बैटरी जैसे कि बैटरी से अगर देंगे तो बाइक बंद नहीं होगा, ठीक है। पहले बता देता हूँ आपको, इग्निशन ऑन करने के बाद इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई देना है, और यहाँ बॉडी अर्थिंग देना है, और इसमें पिकअप कॉइल आप एक वायर आएगा, जैसे कि यह पिकअप कॉइल आएगा और एक वायर चल जाएगा ST कॉइल पे। तो आप लोगों को देखना है 12 वोल्ट यहाँ इस कोना पे देना है। देखो आप अच्छी तरह से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम आपको बताते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये जो कोना में है 12 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ पे बॉडी अर्थिंग, ये कोना में पिकअप कॉइल, और इस कोना में आउटपुट निकलेगा, ठीक है। अब आपको बताते हैं स्प्लेंडर बाइक की जो हम लोगों का CDI कॉइल है AC करंट वाला बाइक में, ये कुछ बाइक में फेडिंग हो जाएगा स्प्लेंडर बाइक के में, क्योंकि काफ़ी सारे मैकेनिक मुझे कमेंट किया था जो स्प्लेंडर बाइक का CDI कॉइल हम लोग दूसरे बाइक में लगा सकते हैं। तो जी हाँ आप लगा सकते हैं, लेकिन उन बाइक में आप लगा सकते हैं जो हम लोगों का AC करंट से बाइक CDI स्टार्ट काम करता है। अब वो किस तरह से काम करता है हम आपको बताते हैं। तो सिंपल के तौर पर 6 वायर होता है स्प्लेंडर बाइक में, तो एक वायर का काम कुछ भी नहीं है, जैसे कि ये लोहा का नहीं है तो हम लोग का बॉडी का काम करता है, एक वायर बाद दे देते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ 5 वायर है, 5 वायर हम लोगों को ठीक से लगाना है, एक वायर देना बॉडी अर्थिंग, एक वायर देना पिकअप कॉइल, और एक वायर चल जाएगा जैसे कि इग्निशन कॉइल पर जो बोतल कॉइल होती है उसमें जाती है, एक वायर आपका जैसे कि मैग्नेट से कॉइल आएगा, मैग्नेट से आगे, और एक बाइक बंद करने के लिए है। तो आप लोगों को सिर्फ देना है बॉडी अर्थिंग स्प्लेंडर बाइक का जो CDI है। जैसे कि कौन कौन बाइक में आप लगा सकते हैं हम बताते हैं, काइनेक्टिन बॉस में लगा सकते हैं, CD 100 में भी लगा सकते हैं, प्लैटिनम में भी लगा सकते हैं, जो बाइक में AC करंट से बाइक स्टार्ट होता है उसी से आप ये यूज कर सकते हैं। तो आपको देना है बॉडी अर्थिंग, पिकअप कॉइल, और एक मैग्नेट में जो हम लोगों का AC कॉइल होता है उसका वोल्ट ज़रूरत है, और बॉडी अर्थिंग, और आउटपुट ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। तो यही था हम लोगों का कॉइल का सिस्टम, आप लोगों को बताया किस तरह से वर्क करता है। तो मैकेनिक भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ, आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।